इस वीडियो को देखें एक बार। चीन के पूर्व राष्ट्रपति ह्यू जिनताओ को राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने इस बैठक से जबरन बाहर निकाल दिया गया और वीडियो फुटेज में ऐसा लग रहा है कि वो बाहर जाना नहीं चाहते थे। चाइनीज स्टेट मीडिया ने कहा है कि ह्यू जिनताओ को बाहर भेजना पड़ा क्योंकि वो बीमार थे, मगर कुछ लोगों का कहना है कि शी जिनपिंग ने ये जानबूझकर किया क्योंकि वो दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते थे कि चाइना में किसके पास पावर है। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है जिसको कहा जाता है पुलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, 2017 और 2022 के बीच इस कमेटी का नक्शा ही बदल गया है और इस कमेटी में अब वही लोग हैं जो शी जिनपिंग को सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा डिसीजन लिया शी जिनपिंग ने जब उन्होंने सदारती मुद्दत ही हटा दी, जिसका मतलब है कि वो चाइना के सदर हो सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी भर। कई लोग ये मानते हैं कि शी जिनपिंग चाइना के पुराने सदर माओ ज़ेडुंग की तरह हैं जो मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं पूरे मुल्क पर। अब चाहे इनमें चीजें एक जैसी जरूर हैं पर शी जिनपिंग का तरीका बहुत अलग है। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शी जिनपिंग इतने ताकतवर कैसे हुए चाइना में और इससे जरूरी है कि इसका क्या असर होगा पूरी दुनिया पर। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपने अमेरिकन ड्रीम के बारे में सुना होगा। You got a dream. You gotta protect it. यहाँ लोग ये मानते हैं कि आप अमेरिका में मेहनत के बलबूते कुछ भी हासिल कर सकते हैं, पर क्या आपने चाइनीज ड्रीम के बारे में सुना है? ये चीज उठाई थी शी जिनपिंग ने 2012 में जब वो चाइना के सदर बने थे। We will achieve the goal of building a great modern socialist country over respect and fulfill the Chinese dream. जहाँ अमेरिकन ड्रीम का फोकस होता है अपनी ख्वाहिशों पर, चाइनीज ड्रीम का फोकस है चाइना की कंट्री पर। शी जिनपिंग चाहते हैं कि चाइना उतना ही ताकतवर हो जाए पूरी दुनिया में जैसे वो था एक जमाने में। 18वीं सदी तक इंपीरियल चाइना दुनिया का लीडर था कल्चर, साइंस या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में। इनफैक्ट 1820 में जब किंग डायनेस्टी चाइना पर हुकूमत कर रही थी तो दुनिया की जीडीपी का 30% चाइना का था। पर 1839 में अंग्रेज और चाइना के दरमियान एक जंग हुई और इस जंग का नाम था फर्स्ट ओफीम वार। और ये जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि चाइना ने पाबंदी लगा दी थी अपनी बंदरगाहों से अफीम की तिजारत करना। 3 साल बाद चाइना ये जंग हार गया और इसके बाद चाइना को एक मुआहिदा करना पड़ा था और इस मुआहिदे में एक डिमांड थी कि चाइना को हांगकांग अंग्रेजों को देना होगा। और इस चीज के बाद अगले करीब 110 सालों तक चाइना को कई और हारें भी बर्दाश्त करना पड़ी। इसकी वजह से चाइनीज हिस्टोरियन इस पीरियड को कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमिलेशन। और ऐसा नहीं है कि चाइना इस 110 साल के पीरियड को भूल गया है, चाहे हिस्ट्री बुक्स की बात करें, टीवी सीरीज या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब चाइनीज लोगों को लगातार बताते रहते हैं उन्हीं हारों के बारे में। आज भी कई चाइनीज इस पीरियड को लेकर गुस्से में है। और इसी वजह से वो ये मानते हैं कि ये दौर चाइना का है या चाइना ग्लोबल पावर बनेगा और ऐसा ही मानते हैं शी जिनपिंग। इसी वजह से शी जिनपिंग के लिए आसान है अपना चाइनीज ड्रीम चाइना के लोगों को बेचना। और ये चीज हासिल करने के लिए शी जिनपिंग के 3 गोल्स हैं। पहला गोल ये है कि चाइना दुनिया में कल्चर को डोमिनेट करे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमरीका का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है दुनिया के कल्चर में, चाहे मूवीज हो, टीवी शोज हो, म्यूजिक हो या फिर वीडियो गेम्स हो। आप जाने या फिर ना जाने हमारी जिंदगी अमेरिकन कल्चर से बहुत ज्यादा मुतासिर है। हम क्या खाते हैं से लेकर हम क्या पहनते हैं, और शी जिनपिंग इस चीज को बदलना चाहते हैं। पिछले 10 सालों के दौरान चाइनीज हुकूमत ने एक इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क डेवलप किया है और कई कल्चर स्टडी सेंटर भी बनाए हैं, जैसे चाइना की प्राइमरी न्यूज एजेंसी सिनीवा के 200 के करीब फॉरेन न्यूज ब्यूरोज हैं। कई पॉपुलर चाइनीज अखबार अब इंग्लिश में भी छापे जाते हैं। इसके अलावा कई चाइनीज यूनिवर्सिटीज अब दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं। कई फॉरेन स्टूडेंट इधर पढ़ने जाते हैं। फिर दूसरा गोल है शी जिनपिंग का एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग चाइना बनाना। चाइना दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है हान चाइनीज की। इनकी पॉपुलेशन 90% से भी ज्यादा है और शी जिनपिंग एक ऐसा चाइनीज मुल्क चाहते हैं जहां लोग यूनाइटेड हों। इसका मतलब है कि वो लोगों के बीच ज्यादा कल्चरल डिफरेंस नहीं चाहते, जिसकी वजह से इन्होंने कई सख्त कदम उठाए हैं, जैसे सिंगजियांग की मुस्लिम कम्युनिटी जिसको वेगर्स भी कहा जाता है, और इनकी पूरी शनाख्त ही बदलने की कोशिश की जा रही है।
那么就不能没有共产党就没有新中国共产党他勤劳为民族मसाजिद तोड़ी जा रही हैं और लाखों विगर्स को डिटेंशन कैंप्स में बंद कर दिया गया है जहां इनको री एजुकेट किया जाए इनके कल्चर और मजहब के बारे में इसके अलावा एक और मिसाल देता हूं मैं आपको ताइवान की अक्टूबर में अपनी एक तकरीर में शी जिनपिंग ने कहा कि वो ताइवान को चाइना के साथ शामिल करना चाहते हैं और अगर किसी भी गैर मुल्की ताकत ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इसका जवाब वो फौजी ताकत से देंगे और इसी वजह से शी जिनपिंग चाहते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस फौज बन जाए दुनिया की अब सबसे बड़ी बहरी फौज अमेरिका नहीं बल्कि चाइना है जैसे फूजियांग सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस वारशिप है जो चाइना ने बनाई है इसके अलावा चाइनीज के एटमी हथियार भी 4 गुना बढ़ गए हैं और अमरीका और रूस जैसे मुल्कों के लिए परेशानी वाली बात जो है कि चाइना मिलिट्री रोबोटिक्स और मिसाइल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लग गया है और तीसरा गोल है इनका एक खूबसूरत चाइना बनाने का पिछले कई सालों के दौरान चाइना में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का खतरा बहुत है ऑन टू चाइना नाउ व्हिच हैज इशूड इट्स फर्स्ट नेशनल ड्राउट अलर्ट और इस चीज को शी जिनपिंग बदलना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्होंने वादा दिया है कि 2060 तक चाइना कार्बन फ्री हो जाएगा जिसका मतलब है चाइना ग्लोबल वार्मिंग नहीं फैला रहा होगा इस वजह से चाइना रिन्यू एनर्जी में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाइना में बेची जाती हैं पर इन सारी चीजों को करने के लिए शी जिनपिंग को ताकत चाहिए थी और उन्होंने ये पावर मांग कर नहीं बल्कि छीन कर ली शी जिनपिंग चाइना के सदर बने 2012 में और एक एडवांटेज इनके पास था कि इनके दौर से पहले चाइना की ग्रोथ रेट बहुत हाई थी करीब 30 सालों के लिए चाइना लगातार 10% से ग्रोथ कर रहा था तो फिर ऐसा क्या किया चाइना ने जिसकी वजह से इनकी तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो गई पहला तरीका है जो कई पॉलिटिकल लीडर्स यूज करते हैं चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या फिर इमरान खान अपनी एक पर्सनैलिटी किल्ट बनाकर जैसे ये एक बुक है चाइना में प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट के लिए देख सकते हैं कि कैसे शी जिनपिंग एक लाल कलर का स्कार्फ पहना रहे हैं एक बच्चे को इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि कैसे वे बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं और दिलचस्प चीज बस फोटोज में नहीं है बल्कि फोटोज में नीचे टेक्स्ट में भी है इधर लिखा है कि कैसे ग्रैंडपा शी जिनपिंग अपने काम में मसरूफ है चाहे वो कितने मसरूफ हों लेकिन हमारे मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं इस चीज से वो अपनी एक इमेज डेवलप कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में कि वो काबिल लीडर हैं जो लोगों की देखभाल करना चाहते हैं और ये बस बच्चों को ही नहीं पढ़ाया जा रहा बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी ऐसी ही चीजें बताई जाती हैं शी जिनपिंग के ऊपर एक कार्टून भी बनी है जिसमें बताया जाता है कि अच्छा लीडर कैसे बनते हैं चाइना की कई पॉलिटिकल ऑफिशियल्स को शी जिनपिंग के बारे में एक स्पेशल ऐप में पढ़ना भी पड़ता है अब आप देख सकते हैं कि कैसी इमेज बनाई जा रही है शी जिनपिंग के बारे में जैसे कि चाइनीज न्यूज़पेपर इनको रेगुलरली बिग अंकल शी बुलाते हैं एक स्टडी ने दिखाया कि कैसे शी जिनपिंग का नाम न्यूज़पेपर में कई बार छापा जाता है जो चाइना के पुराने सदर थे ये उनके साथ नहीं होता था ऐसी इमेज की वजह से शी जिनपिंग ऐसे कई फैसले ले पाते हैं जो उनका पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाता है पर लोग कंप्लेन नहीं करते क्योंकि लोग ये मानते हैं कि शी जिनपिंग तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं ऐसा होपफुली जिस तरीके से हम आपके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं आपके भले के लिए तो हमारी ग्रोथ को हेल्प करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस इमेज की वजह से शी जिनपिंग कैसे पॉलिटिकल कंट्रोल ले पाते हैं ये हैं सिन ली जियोन एक टाइम पर बहुत पावरफुल होते थे चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी में पर इस साल इन पर इल्जाम लगाए गए कि वो पार्टी की यूनिटी को तोड़ रहे हैं इस वजह से इन्हें मौत की सजा दी गई है सन लियोन जोन अकेले नहीं है इस साल करीब 1000 से ज्यादा ऑफिशियल्स को करप्शन या फिर दूसरे जुर्म की वजह से रीअरेस्ट किया गया है अब कम्युनिस्ट पार्टी में करप्शन कोई नई बात नहीं है मगर कहा जाता है कि शी जिनपिंग इस करप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए जिससे वो अपने दुश्मनों को जेल भेज सकते हैं और इसके बेसिकली 2 फायदे हैं कि लोगों के दिमागों में इनकी इमेज और बेहतर हो जाएगी कि देखो शी जिनपिंग को तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और दूसरा फायदा है कि दुश्मनों को हटाकर इनकी ताकत और बढ़ जाती है कहा जाता है कि अपने दुश्मनों को हटाकर शी जिनपिंग इन लोगों को भर्ती कर रहे हैं जो कई सालों से उनके साथ ही रहे हैं और शी जिनपिंग बस कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल नहीं करना चाहते बल्कि चाइना में पूरी आवाम को भी कंट्रोल करना चाहते हैं और वो ये कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क क्रिएट करके जैसे एक चाइनीज शहर में हर 1000 लोगों के लिए 370 कैमराज हैं
जबकि इस्लामाबाद में 1000 लोगों के लिए बस 2 कैमराज हैं। और इन सीसीटीवी कैमराज के अलावा अब हर ऐप जो यूज करते हैं अपने फोन पर, इससे चाइनीज हुकूमत फैसला करती है कि माशरे में आपके साथ क्या होना चाहिए। जैसे हर शहरी को एक सोशल क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, अगर आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं या फिर लोकल चीज खरीदते हैं तो आपका स्कोर बढ़ता है, जबकि आप फ्रॉड करते हैं या टैक्स नहीं भरते या फिर इन जगहों पर सिगरेट पीते हैं जहां इजाजत नहीं होती तो आपका स्कोर कम होता है। और अगर आपका स्कोर कम होता है चाइनीज सोसाइटी में तो जहाज के टैक्स खरीदने में मुश्किल हो सकती है या फिर घर खरीदने में और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए भी। चाइनीज सरकार के पास लिस्ट है डिसऑनेस्ट लोगों की जिसमें जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट शामिल है, और चाइनीज सरकार ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। चाइनीज सरकार का अल्टीमेट गोल है कि इनके पास हर शहरी का इतना डाटा हो कि वो शहरी जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं इनको प्रमोशन मिले और अच्छी नौकरी मिले, वहीं वो शहरी जो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे उनको जेल भेज दिया जाए। इससे पूरी चाइनीज सोसाइटी एक परफेक्ट सोसाइटी हो जाएगी। तो आपके दिल में सवाल होगा कि शी जिनपिंग के प्लान की वजह से खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं। जैसे हमने बात की कि शी जिनपिंग फॉरेन पॉलिसी में अग्रेसिव हैं और अपनी मिलिट्री को भी बढ़ा रहे हैं, जिसकी मिसाल हमने इंडिया पर भी देख ली है, डोकलाम 2017 में और गालवान वैली में 2020 में, और अब ये जरूर है कि टेंशन थोड़ी कम हो गई है। इन सब के बाद भी बॉर्डर्स पर टेंशन बढ़ जाना कभी भी इतना नामुमकिन नहीं है, स्पेशली जब इंडिया चाइना के दरमियान जब फासला इतना ना हो। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इन दोनों मुल्कों में जंग हो सकती है? इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर मुल्क, और ये क्लियर नहीं है कि जंग से किसी भी मुल्क को ज्यादा फायदा होगा। और अगर चाइना की अंदरूनी सियासत में कोई तब्दीली आती है, जैसे कि मान लेते हैं कि चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है, तो इसका इम्कान है कि शी जिनपिंग नेशनलिज्म को इस्तेमाल करें अपनी पॉपुलैरिटी चाइना में बढ़ाने के लिए। इसके अलावा चाइना ने कई इन्वेस्टमेंट किए हैं श्रीलंका और पाकिस्तान में, जिससे इंडिया के हाथ पांव फूले हुए हैं। खास तौर पर चाइना अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा रहा है बहरे हिंद में। तो क्या शी जिनपिंग के अंडर इंडिया चाइना टेंशन बढ़ सकती है? हाँ, जरूर बढ़ सकती है, पर काफी लोग समझते हैं कि शी जिनपिंग को इससे कोई फायदा नहीं होगा। पर यह जरूर है कि इंडिया चाइना में इकोनॉमिक चैलेंज जरूर पैदा हो सकता है, इसलिए इंडिया ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें वो खुद बनाए ताकि इन्हें चाइना की मदद का इंतजार ना करना पड़े। हाल ही में इंडिया ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत पैसा बहाया है ताकि अगर इंडिया चाइना को कोई पंगा होता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर बोझ ना पड़े। अगर इधर तक आ गए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी लेफ्ट साइड पर वीडियो जरूर देखें जहां मैंने डिटेल में बात की है, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।